डियर स्टूडेंट्स, दिस इज निशांत रस्तोगी एंड यू आर वॉचिंग एनालाइज केमिस्ट्री। इस चैनल का पर्पज़ ये है कि केमिस्ट्री की मैक्सिमम प्रॉब्लम्स को मिनिमम टाइम में सॉल्व कराया जाए और आपके जबरदस्त कॉन्सेप्ट किए जाएं। आज हम जो सॉल्व कर रहे हैं वो आईडी मेंस 2024 सितंबर का शिफ्ट 1 का केमिस्ट्री का पेपर है। आइए चलिए इसको देखते हैं और बढ़िया सॉल्व करते हैं। उसी तरह करेक्ट ऑर्डर ऑफ द आयनिक रिडे ऑफ O2 माइनस F माइनस Mg प्लस 2 एंड Na प्लस। अब जरा सोचो कि O2 माइनस में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है 8, यानी 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं उसमें और 2 माइनस आपने और दे दिया यानी कितने हो गए 10 हो गए। फ्लोरीन का सोचो तो फ्लोरीन का 9 होता है और 1 इलेक्ट्रॉन दे दिया मतलब 10 हो गए। मैग्नीशियम का सोचो कितना होता है 12 होता है और 2 इलेक्ट्रॉन आपने रिलीज कर दिए, प्लस 2 है 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज कर दिए तो कितने हो गए 10। सोडियम का क्या होता है 11 होता है तो आपने क्या किया 1 इलेक्ट्रॉन रिलीज किया और 1 कितना हो गया 10, मतलब कि दे आर आइसो इलेक्ट्रॉनिक एंड बिलोंग्स टू 10 इलेक्ट्रॉन सीरीज। ये सारे के सारे जो हैं वो क्या है 10 इलेक्ट्रॉन सीरीज को बिलोंग करते हैं, ठीक है ना। अब आपको समझ में आ गया कि ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक, आइसो मतलब सेम इलेक्ट्रॉनिक मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो इसका मतलब इनमें सेम इलेक्ट्रॉन है और आपको आयनिक रेडियस कैलकुलेट करनी है। कैसे कैलकुलेट करोगे सोचो, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है ई बाई पी रेशियो के। ये किसके प्रोपोर्शनल होती है ई बाई पी रेशियो के, इलेक्ट्रॉन बाई प्रोटॉन रेशियो के। तो चलिए हम यहाँ पर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन्स को देख लेते हैं। देखिए अगर हम बात करें प्रोटॉन्स की तो ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है 8, तो प्रोटॉन कितने हैं 8, फ्लोरीन का 9, सोडियम का 11, मैग्नीशियम का 12, ठीक है ना। इलेक्ट्रॉन्स की बात करो तो इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे वो 10 है, यहाँ पर भी 10 है, यहाँ पर भी 10 है, यहाँ पर भी कितने हैं 10 है। अब आप ई बाई पी रेशियो की बात करो, ई बाई पी इलेक्ट्रॉन बाई प्रोटॉन, तो 10/8, 10/9, 10/11, 10/12। सबसे कम कौन सा होगा मैग्नीशियम का, साइज किसका छोटा होगा मैग्नीशियम Mg प्लस 2 का। सबसे ज्यादा किसका होगा O2 माइनस का, साइज किसका ज्यादा होगा O2 माइनस का, यानी कि आंसर जो आएगा वो थर्ड जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, विच ऑक्साइड फॉर्म ऑन हीटिंग लिथियम सोडियम पोटेशियम इन एक्सेस ऑफ O2। जरा यहाँ पर समझना है, पॉइंट दे दिया इन्होंने एक्सेस ऑफ O2, यहाँ पर O2 और हीटिंग इन प्रेजेंस ऑफ O2 नहीं है, इन एक्सेस ऑफ O2। तो जरा सोचो कि O2 की आप ज़्यादा एक्सेस में रिएक्शन आप करा रहे हो तो क्या होगा, लिथियम क्या बनाता है, लिथियम बनाता क्या है, लिथियम बनाता है ऑक्साइड, ठीक है ना। सोडियम क्या बनाता है, सोडियम बनाता है ऑक्साइड एंड परऑक्साइड। बाकी सोचो जरा, पोटेशियम रुबिडियम और सीजियम क्या बनाते हैं, पोटेशियम रुबिडियम सीजियम जो होते हैं वो ऑक्साइड बनाते हैं, सुपर ऑक्साइड बनाते हैं और परऑक्साइड भी बनाते हैं। आपने हीट किया ऑक्सीजन के साथ ऑक्साइड बनाया, और हीट किया परऑक्साइड बनाया, और हीट में सुपर ऑक्साइड बनाया। तो भाई यहाँ पर ऑप्शन में अगर आप देखोगे तो Li2O क्या है ऑक्साइड है, Na2O2 क्या है परऑक्साइड है, और KO2 जो है वो क्या है सुपर ऑक्साइड है। यही आंसर इसका जो होगा वो क्या होगा करेक्ट होगा, क्योंकि समझ आ गया कि लिथियम परऑक्साइड और सुपर ऑक्साइड नहीं बनाता है, सोडियम जो होता है वो क्या बनाता है सुपर ऑक्साइड नहीं बनाता है, ठीक है। इसका मतलब है कि सोडियम यहाँ पर रुक जाएगा किसमें परऑक्साइड पे, और लिथियम रुक जाएगा कहाँ पे ऑक्साइड पे, और पोटेशियम जो होगा वो KO2 के फॉर्म में आएगा। बाकी के अगर ऑप्शन आप देखें तो ऑप्शन को भी आप देख सकते हैं, उस हिसाब से भी आप देखेंगे। तो देखिए ये वाला ऑप्शन तो आपको समझ में आ रहा है, ये तो तीनों तो सही हो जाएंगे, ये गलत हो जाएगा, ठीक है ना। तीसरे के दूसरे केस में अगर हम देखें तो ये सही है, ये सही है, ये सही नहीं है, ये सही है, ठीक है ना। नेक्स्ट अगर हम देखें तो ये सही है, ये सही नहीं है, ये भी सही नहीं है, और ये भी सही नहीं है, ठीक है ना। तो आंसर जो आएगा वो क्या आएगा, KO2 Na2O2 एंड Li2O, आंसर 1 जो होगा वो करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग हैव द सेम मैग्नेटिक मूवमेंट, और स्पिन ऑनली आपको मैग्नेटिक मूवमेंट बताना है, तो मुझे कोई बताए, सोचो जरा कि स्पिन ऑनली मैग्नेटिक मूवमेंट का फॉर्मूला क्या होगा। क्या ये स्पिन ऑनली मैग्नेटिक मूवमेंट का फॉर्मूला जो होगा रूट एन एन प्लस टू बोर मैग्नेटेड होगा, मतलब वेयर एन इक्वल टू क्या होगा नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, एन इक्वल टू क्या होगा नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। तो भाई एक बात सोचो कि जिसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ज़्यादा उसका मैग्नेटिक मूवमेंट भी क्या होगा ज़्यादा, स्पिन ऑनली मैग्नेटिक मूवमेंट क्या होगा ज़्यादा, और जिसके पास बराबर होंगे उसका स्पिन ऑनली मैग्नेटिक मूवमेंट क्या होगा बराबर होगा। हमारे पास क्या दिया है Cr H2O 6 + 2 एंड Fe H2O 6 + 2 फिर दिया है Cr H2O 6 + 2 एंड CO Cl 6 2 - फिर क्या दिया है Cr H2O 6 + 2 फिर दिया है CO Cl 4 2 -
नेक्स्ट में दिया है CO(H2)6+2 एंड Fe(H2)6+2। अब अगर हम वैरायटी की बात सोचें तो हमारे पास क्या क्या है, CrH2O(6+2) है, Fe(H2)6+2 है, फिर COCl6(2- है, फिर COCl4(2- है, फिर COH2O(6)2+ है, ठीक है ना। तो ये हमारे पास है 1, 2, 3, 4 और 5, ये 5 कंपाउंड्स हैं। और इन 5 कंपाउंड्स के आप जरा इलेक्ट्रॉन्स को चेक कर लो कि अनपेयर इलेक्ट्रॉन में क्या है। अब उसके चेक करने के पहले एक बार जरा सोचो कि यहाँ पर जो लिगेंड हैं उनका नेचर कैसा है, क्या यहाँ पर कोई आपको स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड दिखाई दे रहा है। वाटर कैसा है, वीक फील्ड लिगेंड। हैलोजन्स कैसे हैं, वीक फील्ड लिगेंड। बात समझे ना, तो इसका मतलब है कि यहाँ पर वाटर और हैलोजन ही है, यानी कि सारे के सारे क्या है, वीक फील्ड लिगेंड है। और वीक फील्ड लिगेंड में मैक्सिमम नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं क्योंकि उनकी पेयरिंग एनर्जी जो होती है वो CFSE से क्या होती है, ज़्यादा, ठीक है ना। तो अब आपको बात यहाँ पर समझ में आ गई कि भाई यहाँ पर मैक्सिमम नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे। तो चलो देख लेते हैं, हमने क्रोमियम का ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट किया। अब तो सोचो वाटर के पे चार्ज कितना होता है, वाटर पे चार्ज कितना होता है भाई, 0। कैसा है, न्यूट्रल मॉलिक्यूल है। तो इसका मतलब है कि क्रोमियम पे ये +2 चार्ज हो गया। अगर क्रोमियम पे +2 चार्ज है तो क्रोमियम क्या होता है, एटॉमिक नंबर 24, 2 हटा दिया तो क्या हुआ, D4, यानी कि D4 कॉन्फिगरेशन होगा। D4 कॉन्फिगरेशन, 4 इलेक्ट्रॉन D में है, किसमें, 3D4 में, ठीक है ना। अब 2 इलेक्ट्रॉन जो होंगे यहाँ पर, अगर आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन जब भरते हो तो क्या होता है, EG का जो होता है वो ऊपर की तरफ होते हैं, T2G कहाँ होते हैं, नीचे की तरफ होते हैं। आप 4 इलेक्ट्रॉन भरो तो पहले जो है डीजनरेट ऑर्बिटल का इलेक्ट्रॉन जाएगा 1, 2, 3 और उसके बाद 4, यानी कि चारों अनपेयर्ड हो गए, यानी N की वैल्यू यहाँ पर क्या होगी, 4। अब आ गया Fe(H2)6+2, फिर भाई वाली बात कि Fe पर +2 चार्ज, Fe का एटॉमिक नंबर बोलो 26, 2 हटाया तो क्या हुआ, D6, ठीक है ना। तो यहाँ पर D6 कंफ्यूगेशन, अब 6 इलेक्ट्रॉन भरो तो 6 में पहले 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, फिर उसके बाद में 6, ठीक। इसके बाद में क्या हुआ, पेयरिंग हुई तो 6, बट आपको समझ में आ गया कि यहाँ पर भी जो इलेक्ट्रॉन जो है अनपेयर्ड कितने हैं, 4 हैं, ठीक है ना। तो N की वैल्यू यहाँ पर 4। इसके बाद में COCl6(2-), COCl6(2- में अगर आप देखो तो कोबाल्ट पे चार्ज जो आएगा वो कितना आएगा, +4 आएगा। अब कोबाल्ट पे +4 चार्ज है, कोबाल्ट का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 27, 2 हटाओगे तो कितना आएगा, D7। तो तुमने 2 इलेक्ट्रॉन हटाए तो कितना होगा, D7, ठीक है। तो और 2 और हटाने हैं क्योंकि +4 है तो कितना होगा, D5 हुआ। तो D5 में अगर आप देखोगे तो पहले आपने इलेक्ट्रॉन भरा है इसमें 1, 2, 3, उसके बाद 4, 5, यानी यहाँ पर N की वैल्यू कितनी हो गई, 5 हो गई, ठीक है। उसके बाद आपने क्या किया, COCl4(2- को देखा, CO+2 D7 कंफ्यूगुरेशन है, D7 कंफ्यूगुरेशन को आप भरोगे तो 1, 2, 3, फिर 4, 5, फिर 6, 7, यानी 3 इलेक्ट्रॉन अंपेयर लाएंगे। इसी तरह से COH2(6+2) में भी D7 कंफ्यूगुरेशन होगा और यहाँ पर भी N की वैल्यू कितनी आएगी, 3 आएगी। तो अब एक बार जरा सोचो कि यहाँ पर CO+2 में जो है वो N की वैल्यू 3 है, इसके बाद में CO+4 में N की वैल्यू 5 है, Fe+2 में N की वैल्यू 4 है और Cr+2 में भी N की वैल्यू 4 है, यानी मेरे पास ऑप्शन में CrH2(6) और Fe(H2)6, मतलब आंसर जो आएगा 1 करेक्ट आएगा। आप जब दूसरा सोचो कि COCl4(2- और CO(H2)6+2 अगर ये भी साथ में होते तो आंसर ये भी करेक्ट होता, बट आप देखो कि ये वाला यहाँ पर CO(H2)6+2 इस तरह है और CO(Cl4)2- इस तरह है, ठीक है, यानी कि इस हिसाब से आंसर आपका जो बनता है वो 1 आंसर बनता है।